नमस्कार, वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 482वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं गोंडल के श्री अशोक भाई जानी साहब, जो निवृत्त आचार्य व शिक्षक हैं। आज का विषय है यज्ञ चिकित्सा, विधि विधान और वानस्पतिक समित। तो जानी साहब से गुजारिश है कि वो अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर, जय धन्वंतरी। वनस्पति शास्त्रीय आयुर्वेदाचार्य, वनस्पति में रस रुचि रखने वाले तथा अन्य भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज दिल्लारी मंडल का 482वां वेबिनार है। एक अनूठा है कि 400 के ऊपर की संख्या वेबिनार की बड़ी अच्छी तरह से हो गई है। इसलिए मैं डॉक्टर मिशेल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मुझे बोलने के लिए तब मिली है तो उसके लिए भी धन्यवाद। और सबको मेरा जय धन्वंतरी। पहले मैं थोड़ा दो मंत्र बोलकर वेबिनार की शुरुआत करूंगा। तो यजुर्वेद का मंत्र है और 10वां अध्याय का 16वां मंत्र है, वो मैं पहले प्रार्थना के रूप में बोलूंगा, बाद में यज्ञ का अर्थ के बारे में बताऊंगा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजुन्तदेवास्तान्निधर्माणि सन्ति देवा। ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वसः। ये अंतिम जो मैं मंत्र बोला उसका अर्थ ये होता है कि हमको चारे दिशाओं से शुभ विचार प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए यज्ञ पुरुष को, यज्ञ नारायण को प्रार्थना करता हुआ मैं अब यज्ञ का अर्थ बताता हूँ। यज्ञ का अर्थ होता है योजना करना। यज धातु से यज्ञ बना हुआ है, उसका बड़ा बड़ा मोटा मोटा अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म, वेद, समत कर्म, सकारात्मक कर्म, प्रकृति के साथ ईश्वर के लिए किए गए अग्नि का आह्वान, साथ में क्रिया जाने वाला जो भी कर्म है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का बड़ा विशाल अर्थ होता है, इसलिए यज्ञ में और हवन में थोड़ा सा फर्क होता है। हवन होम भी एक शब्द आता है, उसका अर्थ अग्नि में कुछ डालना, भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए कुछ करना, दोनों के स्वरूप में कुछ फर्क है जरूर, लेकिन यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ अग्नि देव को, किसी देवी देव को, देवी देवता को यजन किया जाता है, उसको आहुतियां प्रदान की जाती है, यज्ञ का विधि विधान सोच समझ कर किया जाता है। हवन में सामान्य क्रम का विधि विधान होता है, जैसे अग्निहोत्र का ज्ञान हम सबको है वो सामान्य प्रकार का होता है। तो होम छोटा स्वरूप है और यज्ञ बड़ा स्वरूप। यज धातु से यज्ञ का अर्थ निकलता है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि यज्ञ में कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो कौन सी है, जैसे कि कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार, कौन सा मंत्र और आहुतियां की संख्या
कितनी होनी चाहिए, कौन सी औषधियां कौन से समय में ली जानी चाहिए और यज्ञ में उसका उपयोग होना चाहिए, ये सब बात का ध्यान रखते हुए जो हम विधि विधान जो निश्चित किया हुआ है वह विधि विधान करते हैं, उसका मतलब है निश्चित विधि विधान सोची जाती है पहले से कि ऐसा ऐसा यह ऐसा करना है या ऐसे करना है, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो ये सोचना पड़ता है कि यहाँ हमारा विषय है यज्ञ चिकित्सा, तो उसमें रोगी भी आएगा और औषधियां भी आएगी, तो दोनों का चयन किस प्रकार से करना है यज्ञ में और किस प्रकार से रोगी का उपचार करना है, तो उसका नाम हम कहते हैं यज्ञ चिकित्सा। हम सब जानते हैं कि वायु का जो वेग होता है बलवान होता है और त्वरित होता है, तो यज्ञ से ही वायु उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार से उसका यज्ञ का जो कार्य है वो रोगी के ऊपर हो जाता है। ये सब बात की हम चर्चा करेंगे। तो यज्ञ में कौन सी औषधि, औषधि का चयन, एक औषधि या ज्यादा औषधि, ये सब यज्ञ चिकित्सा में आ जाता है। कौन सी औषधि लेना है उसकी बात बताऊंगा और यज्ञ चिकित्सा की विधि विधान के बारे में मेरे विचार आपके समक्ष रखूंगा। यज्ञ को यज्ञ तक कितने प्रकार है, क्षेत्र क्या है, आकृति कैसी होनी चाहिए, उसका भी महत्व है, उसके बारे में मेरे विचार रखता हूं। उसके बाद विधि कैसी किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि यज्ञ होता है लंबी विधि होती है, पूरे दिन का होता है, आधा दिन का होता है, तो उसमें से कैसे क्या किया जाए चिकित्सा के बारे में, जब रोगी की चिकित्सा करनी हो तो उसकी विधि कौन सी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी औषधि होनी चाहिए, उसकी बात मैं आप मेरे विचार आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यज्ञ के विविध प्रकार होते हैं। वेदानुसार उसके पांच प्रकार है यज्ञ के, उसमें कौन कौन से है बता देता हूं। पहले आता है ब्रह्म यज्ञ, फिर आता है देव यज्ञ, फिर आता है पितृ यज्ञ, फिर आता है बलि वैश्व यज्ञ और अंतिम आता है पांचवा अतिथि यज्ञ। ये मुख्य पांच यज्ञ है, उसमें से अलग अलग निकलते हैं दूसरे यज्ञ। तो उसका क्षेत्र बता देता हूं कि उसका क्षेत्र है तीन क्षेत्र है, एक ब्रह्मांड यज्ञ होता है, एक देह का यज्ञ होता है और एक संसार में जो हम रहते हैं उसी के अनुसार यज्ञ की बात होती है। साथ में मंत्रोपचार, मंत्रोच्चार में भी तीन प्रकार का होता है, एक होता है वाचिक यानी के बड़े से आवाज में बोलना, ऊंची आवाज में बोलकर यज्ञ में आहुति देना, उसको वाचिक यज्ञ बोला जाता है या वाचिक बोला जाता है। दूसरा होता है उपांशु, उपांशु यानी अंदर जीभ का संचालन होता है लेकिन अपने होंठ बंद रहते हैं, उसको ऐसा उस प्रकार से मंत्र बोलते हुए हम जो यज्ञ में आहुति डालते हैं उसको कहते हैं उपांशु। और तीसरा है मानसिक, इसकी भी बात मैं बताऊंगा, उसकी आकृति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा और यज्ञ का महत्व भी बताऊंगा, औषधियां भी बताऊंगा और बाद में यज्ञ की चिकित्सा, रोगी की चिकित्सा यज्ञ के द्वारा कैसे की जाए उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो पहले मैं बताता हूं यज्ञ के प्रकार के बारे में। वेदानुसार पांच प्रकार के यज्ञ मैंने पहले बता दिया, उसमें से पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं,
प्रकृति की पांच शक्तियां होती है और देवी देवताओं ईश्वर ऋषिगण सब होते हैं, उसके साथ किया हुआ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जैसे कि नित्य संध्या वंदन वेद पाठ वाच्याय करने से ऋषि ऋण चुकता होता है, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरा मैंने बताया देव यज्ञ। देव यज्ञ में सत्संग और अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए अग्नि में आहुतियां देनी पड़ती है, जिसे अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। ये संधि काल में गायत्री छंद से या और कोई छंद से किया जाता है। उससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है, उसे देव यज्ञ कहा जाता है। ज्यादातर हम जो सोचते हैं वो देव यज्ञ ही होते हैं और हम देखते रहते हैं, तो वो सब देव यज्ञ की कोठी में आ जाते हैं। उसमें वनस्पति ज्यादातर सात पेड़ों की ली जाती है, सात औषधियां होती है, जैसे कि आम की, बड़ की, पीपल की, पलाश की, जामुन या बिली की, समी की या उदम्बर की। ये प्रधान काष्ट होते हैं यज्ञ के लिए, जिससे क्या होता है, जिससे रोग शोक दूर होते हैं और गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। ये सामान्य देव यज्ञ की बात मैंने बताई। उसके बाद तीसरा यज्ञ आता है पितृ यज्ञ। श्रद्धा और सत्य से किया हुआ कर्म, जिससे माता पिता, दादा दादी और आचार्य गुरु कुटुंब के अन्य लोगों के लिए किया जाता है, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। उसमें तर्पण पिंडदान होता है, ऐसी जो क्रिया होती है तर्पण पिंडदान, उसको पितृ यज्ञ कहते हैं। उसके बाद आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। उसमें क्या होता है, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों और वृक्षों के प्रति हमारी करुणा और कर्तव्य भाव से अन्न जल देना, उसको वैश्वदेव अथवा बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। भोजन में बना प्राप्त हुआ कुछ अन्न जल, जिस अग्नि में पकाया गया है अन्न जल, उस अग्नि को कुछ अंश देना, गाय कुत्ते कौवे को थोड़ा सा भाग निकाल कर देना, उसको बलि वैश्वदेव यज्ञ कहते हैं। और अंतिम जो पांचवा है वो अतिथि यज्ञ है, वो मेहमानों की कुछ सेवा करना और अपंग को, गरीब विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को, चिकित्सक को, सन्यासी को कुछ अन्न जल देना, उसको अतिथि यज्ञ कहा जाता है। अन्य यज्ञ के और कई और प्रकार भी है, अलग अलग कार्य के लिए भिन्न भिन्न यज्ञ का प्रकार होता है। जैसे कि जप यज्ञ, श्रम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, उसमें अग्नि का सानिध्य नहीं होता है, सिर्फ पुस्तक, धार्मिक पुस्तक ग्रंथ, पोत्र पाठ वगैरह कुछ होते हैं, उसको जो बोला जाता है उसको ये यज्ञ कहा जाता है। वैसे तो 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में है और 16 संस्कार के साथ साथ एक यज्ञ होता है। अभी ये प्रथा लुप्त हो गई है, लेकिन कोई भी यज्ञ करना हो, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, उसका भी अंत्येष्टि यज्ञ किया जाता है। और उसमें भी उसकी भी विधि है, उसमें भी विधि विधान के साथ सब करना पड़ता है। जब यह विधि विधान के साथ किया जाए तो उसे उस प्रकार का यज्ञ कहलाता है। और अन्य यज्ञ में हमको सबको मालूम है, उत्कृष्टि यज्ञ है, सर्प यज्ञ है। जन्मेजय राजे की बात भागवत में आती है और उसमें सर्प यज्ञ किया जाता है। सर्प यज्ञ मंत्र बोला जाता था और सर्प ऊपर से खींच कर यज्ञ कुंड में आ जाते थे, ऐसी बात भागवत में मिलती है। तो
सर्प यज्ञ भी होता है, गणेश यज्ञ होता है, काली लक्ष्मी सरस्वती देवी का सब देवी का यज्ञ होता है, अश्वमेध राजसूय नरमेध यज्ञ भी होता है, नवग्रह यज्ञ भी होता है, अलग अलग ग्रह के अलग अलग यज्ञ होते हैं, नक्षत्र का भी यज्ञ होते हैं, अलग अलग नक्षत्र का उसका यज्ञ का विधि विधान है। तो नवग्रह यज्ञ, वास्तु यज्ञ और एक नई बात है जो अभी दिखाई नहीं पड़ती यज्ञ के बारे में, वो भी मैं बता देता हूँ। तो उसका वो यज्ञ है दस महाविद्या यज्ञ। दस महाविद्या यज्ञ अभी कई कई देखे जाते हैं, लेकिन सामान्य जन में सामान्य व्यवहार में उसका हमको उसको हमको देखने को नहीं मिलता है। अब दस महाविद्या का जो यज्ञ होता है उसकी बात करूंगा, बाद में बताऊंगा वक्त रहेगा तो। उसमें महादेव के भी यज्ञ होते हैं, रुद्र यज्ञ होता है, नारायण बलि यज्ञ होता है, रुद्र याग, विष्णु याग, शिव शक्ति, नारायण बलि वगैरह सब कुछ यज्ञ के प्रकार समझे जाते हैं। यज्ञ का क्षेत्र हम समझ गए कि इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से यज्ञ होते हैं, तो उसका क्षेत्र कौन सा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा मेरा विचार रखता हूं। तो यज्ञ का क्षेत्र तीन प्रकार का होता है। एक होता है ब्रह्मांड यज्ञ, उसका दूसरा नाम है आकाशीय यज्ञ, दूसरा होता है देह यज्ञ और तीसरा होता है संसार यज्ञ यानी हम सब। अब उसके बारे में थोड़ी बात बता दूं, ब्रह्मांड यज्ञ किसको कहते हैं, ब्रह्मांड की जो ज्ञात अज्ञात प्रक्रिया होती है, ग्रह नक्षत्र ऋतु परिवर्तन होता है, उसको ब्रह्मांड यज्ञ कहा जाता है। देह यज्ञ किसको कहते हैं, पंच तत्व पंच कोष पंच वायु वात पित्त कफ मन बुद्धि चित्त अहंकार में जो गति विधि होती है उसको देह यज्ञ कहते हैं। और तीसरा मैंने बताया यज्ञ का क्षेत्र वो है यानी हम सब। अब क्या होता है, हम यहाँ बात करते हैं यज्ञ चिकित्सा के बारे में। तो यज्ञ चिकित्सा जब होती होगी तो रोगी भी होगा, दर्दी भी होगा, पेशेंट भी होगा। तो ये संसार का जो क्षेत्र है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ब्रह्मांड यज्ञ के लिए या देह यज्ञ के लिए। देह यज्ञ के लिए तो आयुर्वेदाचार्य है, ब्रह्मांड यज्ञ के लिए क्या होता है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो जब ब्रह्मांड यज्ञ और देह यज्ञ ठीक से चलता हो, दोनों ठीक से चलते हो, शरीर का पंच तत्व पंच कोष वात पित्त कफ सब ठीक हो, ब्रह्मांड का वातावरण पर्यावरण भी ठीक हो, सब ठीक चलता हो, तब सब और सुख शांति तंदुरुस्ती बनी रहती है। लेकिन जब एक बिगड़ेगा, दोनों में से एक बिगड़ेगा, या तो देह यज्ञ बिगड़ेगा या ब्रह्मांड यज्ञ, तो क्या होता है, जब दोनों में से एक बिगड़ेगा तब महामारी भूकंप वायरस के रोग होते हैं। जैसे ब्रह्मांड यज्ञ बिगड़ गया, ब्रह्मांड की ज्ञात अज्ञात प्रक्रिया ग्रह नक्षत्र का प्रभाव वो सब बिगड़ गया, तो भूकंप वायरस जैसे रोग आते हैं, ये ब्रह्मांड का यज्ञ से यह होता है। और जब देह यज्ञ में कुछ बिगड़ेगा तब क्या होगा, देह यज्ञ में बिगड़ेगा तब वात पित्त कफ होगा और उसके अनुसार जो जो रोग होते हैं वो होंगे। तो ये बात आ गई रोगी की, रोग की, और एक बात आ गई यज्ञ की। तो उसी वक्त जब वात पित्त कफ बिगड़ेगा उसी वक्त शरीर भी बिगड़ जाएगा, तो रोगों की उत्पत्ति होगी, पीड़ा होगी। उसके संतुलन के लिए दोनों जो यज्ञ मैंने बताया, ब्रह्मांड यज्ञ देह यज्ञ, दोनों के संतुलन के लिए किसी एक की विकृति दूर करने के लिए
जो हम करते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड का क्षेत्र या यज्ञ का क्षेत्र बताया। अब उसमें क्या होगा, अलग अलग औषधियां, वेद मंत्र, बीज मंत्र, साबर मंत्र, सिद्ध मंत्र, पौराणिक मंत्र, चौपाइया वगैरह कुछ लेकर उसके साथ जो यज्ञ किया जाता है, तो उससे ये दोनों में से एक संतुलन जो बिगड़ गया है वो अच्छा हो सकता है। अब इस ब्रह्मांड में या देह में कुछ बिगड़ गया है, कुछ वातपित्त कफ का ज्यादा कम हो गया, तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी अंतर नाड़िया एवं मस्तिष्क की नाड़िया तनाव से युक्त हो जाएगी। उसको तनाव मुक्त करने के लिए, पूर्ति का अनुभव करने के लिए शब्द ध्वनि का प्रयोग के साथ, शब्द ध्वनि का प्रयोग माने मंत्र, माने रुचा, माने चौपाई या कोई दूसरा मंत्र, तो ये मंत्र बोलने से एक शब्द की ध्वनि निकलती है, तो शब्द ध्वनि या मंत्र ध्वनि के साथ जो प्रयोग किया जाता है उससे मस्तिष्क में श्रद्धा भाव जगता है और अल्फा किरणें निकलती है। अल्फा के बाद बीटा और थीटा तरंगों भी निकलती है और उसको एक प्रकार से हम मानसिक विद्युत कह सकते हैं। तो ये त्वरित गति से हमारे शरीर के ऊपर वातावरण में उसका असर दिखाई पड़ता है। अब मैं बताऊंगा, ये सब थोड़ी बहुत बात यज्ञ के बारे में समझ ली, अब बताऊंगा यज्ञ का महत्व ऋषि मुनियों ने वेद में, उपनिषद में, ये सब जगह गीताजी में सब जगह बताया हुआ है, उसके बाद थोड़ी बताता हूं। ऋषियों ने यज्ञ का महत्व बताया है, यह महत्व वेदों में है, उपनिषद में है, गीताजी में है, रामायण में है, महाभारत में है, अन्य पुराणों में भी है, यहां तक कि एक सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 1450 पन्ने है, उसमें से एक पन्ने पर यज्ञ की महत्वता बताई गई है। इससे हम सोच सकते हैं कि यज्ञ की महत्वता कितनी है, हम जान सकते हैं। और मैं प्रमाण देता हूं कि यज्ञ की महिमा बताते हुए कुछ हमारे पास है, तो क्या हाँ है, कुछ रुचाए है, कुछ युक्तियां है, कुछ ऐसी बातें हैं जो यज्ञ का महत्व दर्शाती है। जैसे यज्ञो वे पुरोहित शतपथ ब्राह्मण में यह मंत्र है, तो उसके बाद है यज्ञो वे विष्णु श्रुति में आता है। विष्णु भगवान का एक नाम यज्ञ है, भगवान शिव का एक नाम यज्ञ है और अग्नि का भी एक नाम यज्ञ है। देवी प्रकोप से बचने के लिए वैज्ञानिक आधार सिर्फ एक ही है और वह है यज्ञ। पुराण काल में ऋषि मुनियों सब इकट्ठे होकर बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, राजा महाराजा को भी प्रेरणा देते थे कि ऐसा यज्ञ करो, यह करो, तो ये वैज्ञानिक आधार है। यज्ञो यम सर्व काम दुख, जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विज्ञान सम्मत पद्धति है, यह श्लोक का अर्थ होता है। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, अथर्ववेद में 9वें अध्याय का 15वां ऋचा है। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, पूरे भुवन की जो नाभि है, केंद्र है, वो यज्ञ है, ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है। विश्व सृष्टि का आधार ही यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कर्मण्योऽन्यत्र लोकायं कर्म बंधन,
गीता जी में बताया है तीसरे अध्याय का नौवां मंत्र, यज्ञीय जीवन जीकर जिए गए कर्म वाला जीवन ही श्रेष्ठ काम है। गीता जी तीजा अध्याय नौवां मंत्र, स यज्ञाया प्रजा तुष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही, गीता जी कान 10, तीसरे अध्याय का दसवां मंत्र है। दसवां, तमो आ यज्ञ द्वारा वृद्धि पाम उसका अर्थ होता है, सृष्टि के प्रारंभ में उत्पत्ति समय तुम इस यज्ञ से वृद्धि पाओ, ये यज्ञ तुमको इच्छित देने वाला होवे, उसका यह अर्थ निकलता है। महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीं क्रियते तनु मनुस्मृति, यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, भगवान को देने वाला जो कर है, जैसे हम सरकार को इनकम टैक्स कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान को जो कर देना पड़ता है उसका नाम यज्ञ है। भगवान का टैक्स, यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञो यज्ञेन कल्पन्ताम, यजुर्वेद में यह मंत्र आता है। यज्ञाद्यम यज्ञ निर्मिता इति तत्पद ब्राह्मण, जो यज्ञ से यज्ञ बनाता हूं ऐसे भगवान बोलते। बलि वैश्व से आध्यात्मिकता पवित्रता मिलती है, राजसु यज्ञ से शासन तंत्र की समस्या हल होती है, ये सब बातें मैं बोलता हूँ, वो सब यज्ञ का महत्व बतलाते हैं। और भी सुनिए, संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य यज्ञ है, तो गौतम संहिता में लिखा गया है, गौतम संहिता 5-7-12, संसार का सर्वश्रेष्ठ शुभ कार्य यज्ञ है गौतम संहिता। ऐसी ही बात गार्गी संहिता में भी बताई गई है। ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ऋग्वेद का पहला अध्याय का पहला मंत्र, अग्नि मीड़े पुरोहितम, उस पुरोहित के अग्नि से अनुग्रह से यह सब प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा सुनिए, अग्नि से वायु बनता है, अन्न से ज्यादा वायु का महत्व है, शुद्ध प्राण वायु मिलने से सब बलवान और निरोग होते हैं। हे प्रभु, ऐसा गुरु भेजो जो हमको मन से यज्ञ करना सिखावे। अथर्वेद का मंत्र है, उसका मैंने अर्थ निकाल कर ही बोल दिया है। उसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि ऐसा गुरु हमको भेज दीजिए तो हमको मन से यज्ञ करना सिखावे। दूसरा सुनिए, ये इमम यज्ञ मनसा चिकेत, अथर्वेद का मंत्र है। और सुनिए, यज्ञ का होता कौन है? यज्ञ का होता है पानी, हम जो वाक बोलते हैं वो यज्ञ का होता है। यज्ञ का अध्वर्य कौन है? चक्षु है। यज्ञ का उद्गाता कौन है? यज्ञ का उद्गाता प्राण है। और मन यज्ञ का ब्रह्मा है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय में 1 और 6 मंत्र में यह बताया गया है। ऋग्वेद में भी है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में भी, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन देहनाकं महिमान स्वतंत्र पूर्वे साध्या संति देवा, यह देवताओं को मंत्र पुष्पांजलि देने के लिए वेद का मंत्र है और ये यजुर्वेद का मंत्र है। और दूसरा सुनिए, उसमें है शिवो नामासी मंत्र, ये यजुर्वेद का तीसरा अध्याय का 63वां मंत्र है, शिवो नामासी वाला, त्वाम अग्ने यजमान, यजुर्वेद 12 अध्याय का 28वां श्लोक, उसका गुजराती और उसका हिंदी में मैं समझा देता हूँ। त्वाम अग्ने यजमान का अर्थ, पूरे मंत्र का अर्थ यह है कि इस मंत्र में कहा गया है कि हे देव अग्नि, जो नित्य यज्ञ करता है उसको ऐसे सदगृहस्थों को श्रेष्ठ संपत्ति
प्राणियों का सानिध्य और धन प्राप्त होता है, ये आयुर्वेद का मंत्र है। उसमें स्पष्ट बताया गया है कि श्रेष्ठ संपत्ति मिलती है, प्राणियों का सानिध्य मिलता है और धन भी प्राप्त होता है। सामवेद में, सामवेद में भी मंत्र है। सामवेद का उपयोग हम बोलने में नहीं करते हैं क्योंकि उसका बोलने का एक विधि होती है। बोलने की यह विधि होती है कि जब हम ये मंत्र बोले तो अपने दोनों होठ आपस में नहीं भिड़ने चाहिए, होठ नहीं भिड़ने चाहिए और बोला जाता है उसको सामवेद कहा जाता है। उसमें भी पहले अध्याय का पहला मंत्र है, वो कौन सा है? ओम यज्ञ या ओम अग्नि आ या ही हित ए गृहानो हव्यदातवे होता सची बहिर्षी। सामवेद एक एक उसमें क्या कहा गया है, मंत्र का क्या अर्थ है? हे अग्निदेव सर्वव्यापक प्रकाशक आप पधारो, यहाँ आइए, हम आपकी स्तुति करते हैं, यज्ञ में आपका स्वागत करते हैं, आप सर्व पदार्थों के प्रदान करने वाले हैं। स्पष्ट बता दिया सामवेद जी कि सब पदार्थ हैं, पदार्थ को देने वाले। ये यज्ञ का मैंने महत्व बता दिया कि यज्ञ का इतना महत्व वे श्रुति पुराण यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी बताया गया है। अब मैं औषधि की बात बताऊंगा, कौन सी औषधियां लेनी है और उसके कौन से तत्व होते हैं। पहले गुजराती में बताऊंगा, फिर उसका हिंदी नाम बोलूंगा, फिर संस्कृत नाम बोलूंगा। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं इसलिए बोलता हूँ। तो पहले से मैं बोलता हूँ, मैंने निकाली है और उसके तत्व कौन से है, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें या हमारे शरीर में भी पंच तत्व का महत्व जो है और उसी के अनुसार जो रोग होते हैं उसके बारे में जानकारी मिल जाए, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, वक्त भी हो गया है थोड़ा। तो पहले आएगा आंकड़ा, गुजराती में आंकड़ा, हिंदी में आंख, अर्क मदार। वनस्पतिक नाम है क्लेरोट्रोपिस प्रोसेरा नाना आंख, क्लेरोट्रोपिस जाइगंसिया मोटो मोटा सफेद कलर का जो आंख है उसको कहते हैं क्लेरोट्रोपिस जाइगंसिया। उसमें कौन से तत्व है? वायु और अग्नि। और क्या है? ट्रिप्सिन है उसमें, उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। अब एक आपने देख लिया कि मैं पहले गुजराती बोलूंगा, फिर हिंदी बोलूंगा, फिर संस्कृत में बोलूंगा, फिर वनस्पतिक नाम बोलूंगा और उसके बाद उसमें कौन से प्रधान वायु तत्व है, वायु है अग्नि है, वायु अग्नि है, वायु जल है, कौन सा है वो मैं बोलूंगा। तो दूसरा है खाकरा, खाकरो पलाश पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वायु। तीसरा है खेर खेर खदीर, एकाशिया कैटेक्यू वायु, अगेड़ो लटजीरा अपामार्ग, एकिरेंथस एस्पेरा वायु पृथ्वी, पिपड़ो पीपल अस्वस्थ, आइकस रिलीजियोसा पृथ्वी, उम्रो गुलर उदुम्बर, आइकस ग्लोमेराटा पृथ्वी, खिजड़ो चिकुर समी, प्रोसोपिस पाइसी जेरा पृथ्वी वायु, दूर्वा टूब दूर्वा, साइनोडोम डेक्रिलोन पृथ्वी वायु उसमें तत्व है। फिर नौवा आएगा गर्भ दाबड़ो गर्भ, डेस्मोटिकिया बाइपिनाटा पृथ्वी और वायु, दसवा है वडलो वड सिरी, आइकस बेंगालेंसिस पृथ्वी, पीपर बिलवन प्लक्स, आइकस शिवा
आइकस शिला पृथ्वी तत्व, फिर बाद में साजर अर्जुन, टर्मिनलिया अर्जुना वायु, उसमें अर्जुनेटिन का केमिकल होता है, लिम्डो, नीम, निम्ब, एजाडी सत्ता इंडिका, एमा निमिडिन होते हैं, निमिडिन का तत्व होता है और वायु तत्व होता है प्रचार। आमड़ा, आमला, अमलकी, आइलेंथस इमलिका पृथ्वी वायु, कदम, एंथोसेफालिस कदम्बा वायु, आम्बो, आम, आम्र, मेंजीफेरा इंडिका पृथ्वी और वायु तत्व होता है उसमें, महुरो, महुआ, मधुका, मधुका इंडिका पृथ्वी तत्व, बिली, बेल, पिल्व, मार्मेलोस पृथ्वी और वायु तत्व उसमें होता है। उसके बाद है केल, केल कटुकी, मुजा पेरेडिसिए का पृथ्वी और वायु तत्व होता है, वायवरो वरुण, वरुण, क्रेटिवा रिली जियोसा पृथ्वी वायु, पोर्सली मोलश्री बकुल, मीमूसॉप्स इलेंजी वायु तत्व, अरणी अग्निमंथ, नानी अरणी मोटी अरणी, दो प्रकार की अरणी होती है, तो नानी अरणी क्लेरोडेंड्रम मल्टीफ्लोरम, मोटी अरणी प्रेमना न्यूक्रोनाटा वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और फिक्स ऑयल होता है अरणी में। उसके बाद है जांबू, जामुन, जंबू, सीजी जीएम क्यूमिली पृथ्वी तत्व, फोर टूअर स्नुही, यूफोर्बिया नेरिफोलिया अग्नि तत्व, वर्धारो वर्धारा समुद्र सोर्स, अल्जीरिया नर्वस वायु तत्व, अडूसी अडूसा वासा, आधा तोड़ा वासिका वायु तत्व, तल तिल तिल, सीसामम इंडिका पृथ्वी वायु तत्व, दो है तिल में पृथ्वी और वायु तत्व और स्थिर तेल है, तुलसी जी तुलसी, सुरसा, बहुमंजरी, गौरी, भूतग्नि, तुलसी का यह सब नाम संस्कृत वाला, ओसिमम सेंक्टम। उसके बाद दाड़म आता है, दाड़म अनार दाड़ीम, पुरुणी का ग्रेनेटम पृथ्वी तत्व, गैलिक एसिड होता है, पेक्टिन होता है, फॉस्फोरस होता है। उसके बाद चनोठी, ऊंची, ऊंजा, एबरस विक्टोरियस वायु तत्व होता है, एब्रिन नाम का चेरी तत्व होता है, चनोठ ऊंची में गुंजा में, गूगल गूगल गुगलू, कॉमीफेरा मुकुल वायु तत्व, अशोक सराका अशोका वायु तत्व, अश्वगंधा होड़ासन अश्वगंध, विदानिया सोमनीफेरा पृथ्वी और वायु तत्व होता है उसमें, बोर बेर बद्री, जिजीफस जुजुबा पृथ्वी तत्व होता है, पारिजात अर्षिका सेफालिका, निकेंथस अर्बोर ट्रिस्टिस वायु और अग्नि तत्व होता है, काचनार बोहिनिया वेरिगाटा पृथ्वी वायु तत्व होता है, आमली इमली इंचा, टेमेरिंडस इंडिका पृथ्वी तत्व होता है, करंज करज पापर धृतपुर, टेरिस इंडिका, फिर जव आता है, जव उसमें पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व होता है, जो जो यज्ञ में हम आहुति देने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो जो पृथ्वी और अग्नि तत्व वाला है उसका वनस्पतिक नाम ओडियम वल्गर। उसके बाद आता है चोखा, चोखा भी यज्ञ में हवन उच्च द्रव्य में डाला जाता है, थोड़ा जव तल और चोखा और उसके साथ घी मिलाया जाता है, गुगलू भी हो तो गुगलू भी मिलाया जाता है और भी कई औषधियां मिलाई जाती है, लेकिन वो कौन सी तत्व वाली है, क्या कैसे करना है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सब बातें अब सब बात बता दी मैंने कि यह औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए,
आयुर्वेदाचार्य या वनस्पति शास्त्र जो है उसका उसके परामर्श ले लेना चाहिए। उसके बाद यज्ञ की चिकित्सा करने के लिए कौन सी औषधियां लेनी है उसकी बात मैंने बता दी। अब उस यज्ञ की चिकित्सा कैसे करनी है रोगी रोगी के लिए उसकी बात बताता हूँ। तो सबसे पहले रोगी को स्वच्छ करके यज्ञ स्थली पर लाना, बैठाना, सुलाना चाहिए। एक स्थान पसंद कर लेना चाहिए जहाँ हम रोगी को ले जा सकते हो या बिठा सकते हो, ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। यज्ञ कुंड का सामान्य पूजन कर लेना चाहिए। यज्ञ की आकृति अलग अलग होती है, उसके बाद में बात करूंगा प्रश्नोत्तरी में। तो यज्ञ कुंड का सामान्य पूजन, वेदी का पूजन और अग्नि का आह्वान, ये सब कर लेना पड़ता है पहले, और पंचोपचार से उसका पूजन भी कर लेना चाहिए। तो अग्नि का आह्वान हो गया, उसका पंचोपचार से पूजन भी हो गया। अब एक बात मैं बताता हूँ मेरे विचार के अनुरूप, कि आज से 75-80 वर्ष पहले जूनागढ़ में श्री नथुराम शर्मा जी नाम के एक सिद्ध तपस्वी हो गए। उसका एक पुस्तक है नैत्य नैमित्तिक धर्म प्रकाश, उसमें उसने स्पष्ट लिखा है उसी वक्त 80 वर्ष पहले कि जब ये विधि विधान इतना लंबा लंबा होता है तो यजमान जो बैठने वाले होते हैं स्वस्थ होते हैं, और जो यज्ञ में बैठते हैं वो भी थक जाते हैं। तब कब ये पूरा हो, कब ये पूरा हो। तो यहाँ तो रोगी की बात होती है, जब रोगी तो बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ कर नहीं कर सकता, और उसको उसकी ट्रीटमेंट करनी है, और यज्ञ चिकित्सा के द्वारा तो कैसे करनी, क्या करनी, उसका उसके बारे में हमको सोच लेना पड़ेगा, और उसका एक निश्चित विधि विधान बनाना पड़ेगा। तो उस विधि विधान के बारे में बताता हूँ। तब यज्ञ कुंड हो गया, अग्नि देव का आह्वान हो गया और उसका पूजन हो गया, फिर क्या करना है। फिर उसमें विधि विधि की बात बताता हूँ। फिर उसमें सबसे पहले आता है संविदा दान, वो चार संविदा का दान आता है, और आप सुन लीजिए, समझ लीजिए कि पहले चार समृद्ध की आहुति दी जाती है, तो उसका भी मंत्र अलग अलग है, और उसके बाद आज्ञा आहुति दी जाती है सप्त। वो कौन सी दी जाती है, तो उसमें पहले प्रजापति आते हैं, फिर इंद्र आता है, फिर अग्नि आता है, फिर सोमदेव आते हैं, फिर भू, फिर भूव, फिर स्व। ये सप्त आहुति आज्ञाहुति देनी पड़ती है अग्नि से, अग्नि लेकर। उसमें भी एक रीत है, जैसे अग्नि का आह्वान हो गया तो पहले के समय में ऐसा होता था, अभी यह प्रथा लुप्त हो गई है, लेकिन वो ज्यादा प्रामाणिक है वेदों पर। जैसे समझ लीजिए हमने अग्नि देव को बुला लिया, फिर एक अग्नि होमने का साधन होता है, उसको बोलते हैं सूची। एक दूसरा होता है स्तुवा, तो स्तुवा या सूची में गाय का घी ले करके पहले क्या करना चाहिए, पहले नैऋत्य कोण से अग्नि कोण हो, अग्नि कोण की ओर जाते हुए ईशान कोण में चला जाना चाहिए, उसी प्रकार से एक धारा अग्नि कुंड के अंदर डाल देनी चाहिए। एक ये है, दूसरा उसको आघारा आहुति कहते हैं। दूसरी आहुति कैसे करनी पड़ेगी, दूसरी आहुति वायव्य कोण से चलता हुआ चलते हुए यज्ञ कुंड के अंदर की बात बताता हूँ, ईशान कोण में जाना चाहिए। तो हो गया पहले नैऋत्य कोण से ईशान कोण में आए, और बाद में वायव्य कोण से हम आ गए ईशान कोण की ओर। फिर तीसरी आहुति होती है, वो पश्चिम में बीच में दी जाती है, यज्ञ कुंड के बीच वाला भाग है उसके बीच में दी जाती है। और फिर चौथी जो दी जाती है वो पूर्व के बीच में दी जाती है। ये पहले ये रीत चलती थी, अभी कहीं कहीं दिखाई पड़े या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शास्त्रोक्त बात है। तो उसको ये कर दिया,
तो उसके बाद मैंने बताया था आज्ञा आज्ञाहुति शब्द आहुति देनी पड़ती है। क्या होता है अभी भी ऐसे ही करते हैं। ओके, उसके बाद आता है सप्त ऋषि को जब यज्ञ चिकित्सा होती हो तो यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। सप्त ऋषि सबको दो दो आहुति देनी पड़ती है। जैसे समझ लीजिए हम मैंने बोला अत्रि ऋषि नमः स्वाहा, फिर से अत्रि ऋषि नमः स्वाहा, ऐसे जो सप्त ऋषि है उन सबको दो दो आहुति दी जाती है। उसके बाद जो रोगी है और जो हमने मंत्र तय किया है, निश्चित किया है कि यह मंत्र लेना है, यह वेदोक्त मंत्र ठीक रहेगा उसके लिए, तो उस मंत्र की 108 आहुतियां देनी पड़ती है यज्ञ चिकित्सा में। उसके बाद 108 आहुति दे दी, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद स्विष्टकृत होम होता है, उसमें साकर औषधि के साथ उत्तर द्रव्य जो हमने उद्रव्य जो हम होमते थे उसका थोड़ा भाग साकर घी और औषधि ये सब लेकर के स्विष्टकृत यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है। उसके बाद क्या आता है, पूर्ण आहुति आती है, तो उसका जो एक मंत्र है वो सबको मालूम होगा या जान लेना चाहिए, वो मंत्र बोलते हुए पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि जो देवी देवता हमने बुलाए है उसका उसके चरणों में मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है, उसका भी मंत्र है, तो उसको चावल और चंदन के साथ फूल के साथ जो हाथ में रखकर पुष्पांजलि दी जाती है उसको मंत्र पुष्पांजलि बोलते हैं, और उसके बाद विसर्जन। तो मैंने क्या किया है इस विधि में चिकित्सा विज्ञान के अनुरूप जो नथुराम शर्मा जी ने कहा था कि सिर को काट दो पैर को काट दो, तो मैंने यह किया है यह विधि में कि सिर को काट दिया और पैर को नहीं जांग से काट दिया। इतनी संक्षिप्त विधि बना दी कि कोई भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं और संक्षिप्त में हो जाएगी, कोई लंबी विधि विधान की जरूरत नहीं है। सामान्य जो जरूरत होती है वो मैंने थोड़ा उसका समझा दिया है। आहुतियां कौन सी उंगली से देनी है, कौन से समय में देनी है, सूर्योदय के समय, जन्म, नक्षत्र, तिथि, वार, वो सब देखना पड़ता है। और जब रोगी को बिठाया जाता है तो उसका छाती वाला भाग खुला रखना पड़ता है ताकि यज्ञ के साथ फाइटोकेमिकल जो निकलते हैं यज्ञ जब हम करते हैं तो वो उसका अणु में विघटन हो जाता है, तो वो ऊपर का भाग जो खुला होता है उससे अंदर चला जाता है, श्वास निकला जाता है, उसी प्रकार से उसको जल्दी से जल्दी लाभ मिल जाता है। इसलिए ऊपर का छाती वाला भाग खुला रखना चाहिए या आज थोड़ा पतला जैसा कपड़ा पहनाना चाहिए, और रोगी को जो अनुकूल हो ऐसी स्थिति में उसको बिठाना सुलाना कोई भी करना है। उसी प्रकार से जब हम ये दव तल घी और हवन सामग्री से यज्ञ की 108 आहुति रोगी के लिए देते हैं तो जल्द से जल्द उसका परिणाम दिखना प्रारंभ हो जाता है। और पहले के जमाने में एक बात होती थी और ये अब कहीं भी मैं नहीं देखता, वो होती थी जब यज्ञ शुरू होता हो और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाती हो तो एक मंत्र बोला जाता था, उसका बता देता हूं, भूतः शेषनो कीड़ा भक्षणः। ये यज्ञ के शुरू में और अंत में पहले बोला जाता था, तो उसका मतलब यह कि ईडा नाड़ी जो शक्ति है जो हमारे श्वास से हम ईडा और पिंगला स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जो की बात खास से आपने बोली थी समझाई थी उसके बारे में, तो ये एक मंत्र था जो अभी कहीं भी नहीं दिखाई देता, कोई भी नहीं बोलता है। तो विशिष्ट उपचारों एवं विधानों के साथ किया हुआ यज्ञ एक प्रकार का दिव्य अस्त्र हो जाता है ऐसा बोलता हुआ ओम
अष्टोमा तदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु।